हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए, राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं का इकाई 2, यानी जो आपकी पुस्तक है खंड ए उसकी इकाई 2, जिसका नाम है आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं का अध्याय 2, जिसका नाम है राजनीतिक संस्कृति। बच्चों, इस अध्याय के राजनीतिक संस्कृति के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और कुछ जो हमारे टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अध्याय राजनीतिक संस्कृति। अब हम देखेंगे बच्चों की राजनीतिक संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो राजनीतिक संस्कृति को किसी समाज की परंपराओं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा एवं उसके नागरिकों की आकांक्षाओं, उसके सामूहिक विवेक, उसके नेताओं के तरीके तथा सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा ही समझा जा सकता है। यानी कि राजनीतिक संस्कृति को कैसे समझा जा सकता है? समाज की परंपराओं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्माओं एवं उनके नागरिकों की जो आकांक्षाएँ होती है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, उसके सामूहिक विवेक, उनके नेताओं के तरीके तथा सक्रिय होने के नियम रूल्स आदि के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली है समन्वयकारी स्वरूप। इसका उसका स्वरूप कैसा होता है? इसका स्वरूप समन्वयकारी होता है। राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं। यानी कि इसमें क्या होते हैं, राजनीतिक संस्कृति में क्या होते हैं, अनेक नवीन यानी कि नए जीवन मूल्य आते रहते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष भी जारी रहता है। और जो नवे नए नवीन होते हैं, जो नए होते हैं, और जो प्राचीन यानी कि जो पुराने जीवन मूल्य होते हैं, उनमें निरंतर संघर्ष भी चलता रहता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इन दोनों के मध्य समन्वय करने की होती है। यानी कि राजनीतिक संस्कृति की विशेषता क्या होती है कि वो जो प्राचीन और जो नवीन जो जीवन मूल्य है उनमें वह समन्वय बनाए रखे, या ऐसे उनमें समन्वय बनाए रखने की इसमें विशेषता होती है। दूसरा है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है राजनीतिक संस्कृति में? नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है और कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप। और नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का कभी तो धार्मिक रूप योगदान देता है, धार्मिक स्वरूप योगदान देता है, और कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप योगदान देता है। तीसरा है अमूर्त स्वरूप। जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है, यानी कि जब जनता होती है, यानी कि जो राष्ट्र राष्ट्र में या राज्य में जो रह रहे जो लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रजा या जनता कहते हैं। तो जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश यानी कि गुस्सा जाहिर करती है, जो कि राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है। यानी कि जब जनता राज्य के प्रति गुस्सा जाहिर करती है, क्यों गुस्सा जाहिर करती है? कि जब वो राज्य के द्वारा किसी कानून या कार्य के प्रति वह मतलब संतुष्ट नहीं होते या उससे वह नाराज होते हैं, तो वे अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं भापा जा सकता। और तब क्या होता है, जनता की जो मानसिक स्थिति होती है ना, उनको भापा नहीं जा सकता। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम पे, मतलब झगड़ा कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, और भी कई सारी हानियाँ पहुँचा सकते हैं। क्योंकि जनता के मनोमस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं। और जनता जनता जो होती है उसके जो मन और मस्तिष्क होता है, यानी कि जो मन और जो दिमाग होता है उसमें अमूर्त होते हैं। उसकी मतलब उसकी कोई मूर्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि वो यही करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम। तो जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते रहते हैं, और जो क्या करते हैं, राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। चौथा है गतिशीलता। व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी क्या होता है, व्यक्ति और समाज में क्या होता है, जीवन जो मूल्य होते हैं वो मतलब सिचुएशंस के अनुसार और सामाजिक आवश्यकता के अनुसार क्या होते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील बनी रहती है। और इसी आधार पर क्या होता है, जो राजनीतिक संस्कृति है वो भी गतिशील बनी रहती है, यानी कि उसमें भी गति रहती है। अब हम देखेंगे राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र। सन 1950 से 60 के दशक में विभिन्न विचारकों ने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन राजनीतिक संस्कृति उपागम द्वारा प्रारंभ किया। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए उचित एवं उपयुक्त सामाजिक परिवेश राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही विकसित किया गया।
राजनीतिक संस्कृति वे लोकतंत्र के मध्य संबंधों पर सर्वप्रथम आनुभविक अनुसंधान ग्रेबियल आमंड व सिडनी बर्वा ने 1963 ईस्वी में लिखित प्रसिद्ध रचना द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन फाइव नेशंस में प्रस्तुत किया। अब हम देखेंगे बच्चों राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण का आधार यह है कि व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप और किस सीमा तक भाग लिया जाता है। इस आधार पर आमंड और बर्वा ने तीन प्रकार के राजनीतिक संस्कृति बतलाई है, यानी किसने, जो विचारक है आमंड और बर्वा, उन्होंने क्या कहा, तीन प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बतलाई है। किस आधार पर? व्यक्तियों और राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप से किस सीमा तक भाग लिया जाता है, इस आधार पर। पहला है संकीर्ण संस्कृति। इसके अंतर्गत क्या होता है, नागरिकों को ना तो राजनीतिक मुद्दे की जानकारी होती है, यानी कि उसे ना तो किसी राजनीतिक में ना राजनीतिक मैटर की कोई नॉलेज होती है और ना ही अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। तो वो कौन सी संस्कृति होती है, संकीर्ण संस्कृति। दूसरी है अधीन या प्रजाभावी संस्कृति। इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो होती है किंतु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती। इसके अधीन क्या होता है, मतलब जो नागरिक जो होते हैं उनको राजनीतिक मुद्दे की जानकारी तो होती है, मतलब उन्हें राजनीतिक जो कोई सिचुएशन है, मतलब जो कोई मैटर है उसके बारे में तो पता होता है, लेकिन उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती। तीसरी है सहभागी संस्कृति। तो सहभागी संस्कृति में क्या होता है, नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों और अपनी अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की भी समझ होती है और उसको उस राजनीतिक मुद्दे में अपनी राजनीतिक भूमिका की भी समझ होती है। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार तथा आनुभाविक आधार पर प्रचलित संस्कृतियों पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की है, यानी कि क्या है, राजनीतिक जो संस्कृति के जो प्रकार है और जो अनुभाविक जो अनुभाविक जो आधार है उन पर प्रचलित संस्कृतियों पर क्या हुआ है, राजनीतिक जो वैज्ञानिक हैं वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग मतलब व्याख्या प्रस्तुत की है या दी है। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर चार प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है और वो कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। पहली है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। ब्रिटेन अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति होती है, उसे क्या कहते हैं, आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। फ्रांस जर्मनी इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति की बजाय कई उप संस्कृतियों और परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियां भी दृष्टिगोचर होती है, यानी कि महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, ये कहाँ कहाँ पर है, फ्रांस और जर्मनी इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उप संस्कृतियों और परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियां भी दृष्टिगोचर होती है, यानी कि जो ये जो हिंसात्मक होती है और जो उप संस्कृतियां होती है वो भी क्या होती है, इसमें राजनीतिक संस्कृतियां भी इसमें दृष्टिगोचर होती है। तीसरा है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। एशिया तथा अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेशों जहां औद्योगिक राजनीतिक विकास और लोकतंत्र अभी भी नवजात या अल्प विकसित अवस्था में हैं, वहां पर क्या है, गैर पश्चिमी तथा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था है। चौथा है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। अधिनायकवादी सर्वाधिकारवादी अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ विपक्ष और विरोध की संभावना ही नहीं होती, यानी कि ये कहाँ पर होती है, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, जहाँ पर अधिनायकवादी सर्वाधिकारवादी अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ विपक्ष और विरोध की संभावना ही नहीं होती, यानी विरोध की वहाँ पर कोई संभावना ही नहीं होती है। एशिया अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही और चीन उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देश। अब हम देखेंगे बच्चों की राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण ये क्या होता है। आमंड व बर्वा के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों विश्वासों तथा मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण जैसे व्यक्ति परिवार
मित्र मंडली, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, लोक संचार, हित समूह व राजनीतिक दल आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के जरिए ही समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित करते हैं, यानी कि उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पीढ़ी में क्या करते हैं, हस्तांतरित करते रहते हैं, उसे संचरित करते रहते हैं या अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते रहते हैं। नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी व्यक्ति बनाए गए ढांचों में ढल जाए, परंतु इससे राजनीतिक जीवन में निरंतरता बनी रहती है। साथ ही राजनीतिक प्रणाली नए दबावों और तनावों को झेलने की सहन शक्ति विकसित कर लेती है। साधारणतया राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, लेकिन यदि किसी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति अनेक उपसंस्कृतियों में बटी हो तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकताओं के अनुसार भी ढालना अपरिहार्य होता है, आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि राजनीतिक संस्कृति का क्या महत्व है। आमंड बरवा आदि विचारकों ने इस उपागम को विकसित किया है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जब से राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत हुई, तब से राजनीतिक प्रणालियां संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और अस्थिरता के कारणों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसमें इसके महत्व को अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका महत्वपूर्ण इसके जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं न रहकर राजनीतिक समाज बन गया है। यानी कि राजनीतिक संस्कृति के कारण क्या हुआ है, अध्ययनकर्ता जो वैज्ञानिक है उनका केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं नहीं है, क्या बन गया है, राजनीतिक समाज बन गया है उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु। दूसरा, इस अवधारणा ने राजनीति शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया है। तीसरा है, इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने का प्रयत्न किया है, यानी कि अध्ययन जो है स्टडी उसमें विवेकता लाने का भी प्रयत्न किया है। चौथा है, इसमें राजनीतिक संस्कृति उपागम ने यह बताने का प्रयास किया है कि कोई विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण करते हैं, अतः इस उपागम से राजनीति शास्त्र सूक्ष्म और व्यष्टि उपागमों के मिलने के माध्यम से एक संपन्न समाज शास्त्र बन गया है। अब हम देखेंगे बच्चों कि राजनीतिक संस्कृति से क्या निष्कर्ष निकलता है या हमने जो अध्याय पढ़ा है इससे क्या निष्कर्ष निकला है। कंक्लूजन, उपयुक्त समीक्षा के बावजूद राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी क्या है, उपयुक्त समीक्षा जो हमने की है, हमने जो सब कुछ पढ़ाया है उसके बावजूद भी क्या है, राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक यानी तुलना करने के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विचारधारा, यानी कि वह महत्वपूर्ण विचारधारा है तुलना करने के लिए। जब से आमंड व बरवा ने राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना प्रस्तुत की है, तब से इसकी ओर बिना दृष्टि डाले किसी भी देश की राजनीति या तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा हमारा पार्ट राजनीतिक संस्कृति, और अब हमने इसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए